हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड गुड एंड आपकी प्रिपरेशन वेल इनफ, बहुत अच्छे वे में चल रही होगी। तो हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब की अपडेट लेके, जो कि निकल के आ रही है डिफेंस की तरफ से। NDA पुणे, मतलब नेशनल डिफेंस अकेडमी पुणे के अंदर वेरियस पोस्ट के ऊपर ग्रुप सी के लिए रिक्रूटमेंट आउट हो चुकी है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स के लिए होने वाली है। तो हम लोग इस वीडियो में इसके ऊपर संपूर्ण डिटेल में डिस्कशन करने वाले, तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हो तो लास्ट तक जरूर वॉच करना। चलिए अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से डिस्कशन को स्टार्ट कर लेते हैं। लाइक आई टोल्ड यू अर्लियर, NDA पुणे के अंदर ग्रुप सी की रिक्रूटमेंट आई है नेशनल डिफेंस अकेडमी। लोकेशन वाइज बात करें तो खड़कवासला पुणे में लोकेटेड है, वहां पर आपका जो है सेंटर रहेगा, आपको लोकेट किया जाएगा, वहीं पे सर्व करना होगा। अप्लाई डेट की बात अगर करें तो आपका ये फॉर्म 27th ऑफ जैन से स्टार्ट हो जाएगा एंड लास्ट डेट टू अप्लाई 16th ऑफ फेब रहने वाला है। मतलब कि आपको 16 फरवरी का इंतजार नहीं करना है, 27 जनवरी से फॉर्म ऑनलाइन होते ही आप अप्लाई कर देना, अदरवाइज बाद में सर्वर इशू का फेस करना पड़ सकता है आपको। अब बात करें कि फॉर्म अप्लाई करोगे तो फी क्या लिया जाएगा, किसी भी कैटेगरी से यहाँ पर कोई फी चार्ज नहीं लिया जाता है। आगे हम लोग देख लेते हैं कि कैटेगरी वाइज सीट्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो जनरल के लिए देखें तो 110 सीट्स है, EWS के लिए 19, OBC के लिए 58, SC कैंडिडेट्स के लिए 3 और ST के लिए 8। मतलब ओवरऑल अगर सीट की बात करें तो टोटल पोस्ट 198 है, मतलब 200 के करीब पोस्ट के लिए आपकी वैकेंसी आई है, अपॉर्चुनिटी अच्छी है। तो चलिए आगे देख लेते हैं कि पोस्ट वाइज क्या है वैकेंसी की डिटेल्स, किन किन पोस्ट के ऊपर आई है, कितना कितना सीट है, एज की क्या रिक्वायरमेंट है, क्वालिफिकेशन क्या नीडेड है। चलिए देखते हैं, आपका टोटल यहाँ पर 6 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट आई है। MTS ऑफिस एंड ट्रेनिंग, LDC यानी लोअर डिवीजन क्लर्क, कुक, सिविल मोटर ड्राइवर एंड फायरमैन। अब सीट की बात करें तो MTS ऑफिस एंड ट्रेनिंग के लिए 151 सीट है, इसके लिए एज का जो लिमिट है 18 से 25 वर्ष है। क्वालिफिकेशन 10th पास आउट बच्चों के लिए ये है। LDC की बात करें तो 16 सीट है, एज 18 से 27 वर्ष, और जो भी 12th पास आउट कैंडिडेट है सभी इलिजिबल रहेंगे। थर्ड पोस्ट जो हमारा कुक का पोस्ट है, उसके लिए 18 से 25 वर्ष के कैंडिडेट इलिजिबल है और 12th पास आउट कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। थर्ड आपका फोर्थ जो पोस्ट है सिविल मोटर ड्राइवर, इसके लिए आपका 3 सीट है, 18 to 27 ईयर्स, मतलब 18 से 27 वर्ष के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे और 12th पास आउट कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है। फिर आपका लास्ट पोस्ट है फायरमैन, इसके लिए 2 सीट है, 18 to 27 ईयर्स एज की लिमिट है और 10th पास आउट कैंडिडेट्स इसके लिए इलिजिबल रहने वाले। आई होप कि पोस्ट वाइज आपने ये सब समझ लिया होगा कि एज का क्या है और क्वालिफिकेशन। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल मिलेगा। OBC को 3 ईयर्स का और SC ST को 5 ईयर्स का एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। तो ये तो आपने पोस्ट के बारे में बेसिक डिटेल जाने हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं कि किन किन स्टेज से गुजरने के बाद यहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा। तो फ्रेंड्स, और सिलेक्शन इज डिपेंडेबल ऑन मेजर 4 स्टेजेस। पहले स्टेज पे आपका रिटन एग्जाम होगा, सेकेंड में आपका स्किल टेस्ट होगा, मतलब पोस्ट वाइज ये डिपेंड करता है। LDC के लिए टाइपिंग होगी, कुक के पोस्ट के लिए कुकिंग का टेस्ट होगा, ड्राइवर के लिए ड्राइविंग का होगा। तो समझ गए होंगे स्किल टेस्ट आपका पोस्ट वाइज होगा। देन आपका मेडिकल एग्जाम होगा, फिर DV यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाएगी। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि फर्स्ट स्टेज पर जो आपका एग्जाम होगा उसका क्या पैटर्न है। फ्रेंड्स, आपके पेपर में 100 क्वेश्चंस होंगे 100 मार्क्स के लिए, पर क्वेश्चन 1 मार्क मिलेगा। टाइम आपको 2 घंटे का दिया जाएगा, मतलब कि यहाँ पर 2 घंटे का समय है 100 प्रश्न 100 नंबर के लिए। और नोटिफिकेशन में निगेटिव मार्किंग के बारे में कहीं पर कोई जिक्र नहीं किया गया है, तो उसके बारे में आपको बाद में अगर ऐसा कुछ आता है नोटिस तो मैं जरूर इन्फॉर्म कर दूंगी। चलिए अब देख लेते सब्जेक्ट वाइज कितना क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए। फर्स्ट सब्जेक्ट आपका रीजनिंग है, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए। सेकेंड मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए। थर्ड सब्जेक्ट GK एंड GS, मतलब जनरल नॉलेज एंड करेंट अफेयर्स को कंबाइन करके 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए। लास्ट आपका जो सब्जेक्ट है इंग्लिश, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए।
तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर गौर कर पा रहे होंगे कि जो मोस्ट जो आपका यहाँ पर दिया गया है फोकस जीके जीएस का आपका सबसे ज्यादा वेटेज होगा। 40 क्वेश्चंस है तो सबसे ज्यादा उसके ऊपर आपको मेहनत करना पड़ेगा। वैसे तो इसका मॉडल पेपर वगैरह आ गया होगा, ऐसे लास्ट ईयर भी एग्जाम हुआ था इसका, तो उसका प्लीज आप एक बार प्रीवियस ईयर का सेट जरूर लगाइएगा। उससे आपकी स्पीड भी बूस्ट होगी और ये भी पता चलेगा कि आप सिलेबस में कहाँ पिछड़ रहे हो, किस सब्जेक्ट में आप वीक हो, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आपको जैसा बताया कि रिटन एग्जाम क्वालिफाई करोगे तो स्किल टेस्ट होगा, तो पोस्ट वाइज बताया है कि कुकिंग की, ड्राइविंग की, अलग अलग पोस्ट के लिए, तो एलडीसी के लिए बोला था कि टाइपिंग की टेस्ट होगी। तो चलिए देख लेते हैं, इसमें इंग्लिश का जो ये रहेगा स्पीड होगा 35 वर्ड्स पर मिनट का होना चाहिए। हिंदी के लिए 30 वर्ड्स पर मिनट मिनिमम स्पीड है, इससे हाईएस्ट है तो बहुत अच्छा है, आप जल्दी क्वालिफाई कर सकते हो। और इसके बाद आपका सिंपली मेडिकल और डीवी होगा, फिर ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाएगी। और आपको ऑलरेडी बता दिया कि जॉब का लोकेशन क्या होगा, खड़कवासला पुणे के अंदर लोकेटेड है हमारा नेशनल डिफेंस अकेडमी, वहां पर आपको जॉब करना होगा। अब जॉब करोगे तो कुछ सैलरी भी मिलेगी, आइए देख लेते हैं। आपकी स्टार्टिंग सैलरी जो होती है फ्रेंड्स 18,000 मतलब 18,000 से स्टार्टिंग होती है, एंड आफ्टर पर्स अलाउंसेस पर ईयर के इंक्रीमेंट के बाद 81,100 रुपीस की सैलरी दी जाती है। सो दिस इज योर ओवरऑल जो भी डिटेल था ना एनडीए पुणे में ग्रुप सी की रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग। आई होप कि मैंने सारा कुछ आपको बता दिया हो, कहीं पर भी कोई कुछ छूट गया हो, आपके मन में कुछ क्वेश्चन हो, डाउट हो, कमेंट सेक्शन में पूछना। अदरवाइज इसका जो भी डिटेल वे में सारा नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करूंगी, तो मेरे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज एंड इंस्टाग्राम तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाइए वहां भी फॉलो कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज एक लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पे सेट कर लेना ताकि सारी न्यू वीडियो सबसे पहले आप सभी तक पहुंच पाए। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ, टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।